ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार आई बी। ठीक है, देखो फार्मूला एक ही है पूरे चैप्टर में, एक ही फार्मूला, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लेके चलना है आपने। बुक में हो सकता है आपको कोई और कोई फार्मूला दिया हो, कोई लेंथी फार्मूला दिया हो, ठीक है, उससे नहीं जाना आपने। बेसिक फार्मूला है, इसी को आपने अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। फार्मूले से क्वेश्चन निकल जाता है दूसरे वाले जो बुक में दिए होंगे, लेकिन उसको फार्मूला को रट्टा मारना पड़ेगा। बट कंसेप्चुअल तरीके से चलोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, अब शेयर स्ट्रेस एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब। और आप देख रहे हो कि ये इस चीज़ को ध्यान से समझना कि शेयर स्ट्रेस यहाँ निकालना है, एफ तो वही रहेगा, ए आ गया ये वाला जो इसके, ये क्या होता है, इस पॉइंट पे निकालना है तो इसके ऊपर वाला एरिया सारा होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल के केस में, ठीक है, हमने ये लाइन कंसीडर की थी एट डिस्टेंस वाई, तो वाई के ऊपर जितना भी एरिया है वो क्या है, ए। ठीक है, तो ये हमने वाई ऐसे वेरी कर रहे हैं ना, तो वाई मान लो ये है, ठीक है, तो इसके ऊपर जितना भी एरिया होगा वो सारा क्या होगा, ए। ठीक है, तो ए तो मिल गया, वाई बार भी निकालते हैं। अब मैं आई तो वही रहेगा, आई है न्यूट्रल एक्सिस। अब मेन चीज़ आती है बी। अब बी देखो, बी जो आता है, बी आता है एरिया का, है ना। अब ये जो एरिया है, एक बार देखो, एक बार ये वाला बी आ रहा है, विड्थ यहाँ पर दो हैं एक्चुअली, एक जो जो है विड्थ है वो है इसकी फ्लैंज की विड्थ है, ठीक है, और एक केस और है जिसमें ये वाली विड्थ है, जिसमें वेब की विड्थ है। तो इसमें दो बी जो हैं दो टाइप के हैं, समझे मेरी बात। बी जो हैं दो, एक विड्थ ये वाली आ रही है, वाई के ऊपर जो एरिया है वो है ये, ठीक है, तो एक आ रही है विड्थ ये वाली, ठीक है, और एक विड्थ ये भी आ रही है बीच में, ठीक है। तो हमने एक बार फ्लैंज की विड्थ कंसीडर करनी है, वो निकालना, फिर एक बार हमने ये वाला बी कंसीडर करना है, किसका, वेब का, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, फिर पहले ए वाई बार निकालो जो वेरी करना है, ठीक है, ए वाई बार मतलब एरिया इंटू वाई बार। एरिया क्या है, 200 इंटू 25 इंटू वाई बार। वाई बार क्या होता है, ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस यहाँ से है ना, ये होता वाई बार। तो ये डिस्टेंस कितना है, इसका सेंट्रोइड का न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस, ये होता है वाई बार, ठीक है। अगेन वही है, यहाँ से यहाँ 175 है, तो 175 में से 25 निकालोगे आप, 12.5 निकालोगे, ठीक है, 175 में से टोटल यहाँ से यहाँ था 175 है ना, आपने यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो दैट विल बी 175 माइनस 12.5, वो हमने निकाला था 162.5 निकाला था ना, ठीक है, 162.5। इसमें पुट कर देते हैं, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ कितना है, 200 इंटू 10 रेज पावर 3 इंटू ए वाई बार आ गया आपका, इसको तो मल्टीप्लाई करना था ना पहले, 200 इंटू 25 इंटू 162.5, 812.5 इंटू 10 रेज पावर 3, तो ए वाई बार आ गया 812.5 इंटू 10 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई आई, 292.7 इंटू 10 रेज पावर 6 इंटू बी हमने पहले कौन सा कंसिडर करना है, फ्लैंज वाला, ठीक है, तो फ्लैंज वाला बी कितना, 200, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो वैल्यू आती है शेयर स्ट्रेस की, एक फ्लैंज की वजह से आती है क्योंकि उसकी विड्थ ज़्यादा है, और एक वेब की वजह से थी जिसकी विड्थ छोटी है, ठीक है, क्योंकि इस एरिया पे वेब का भी इफेक्ट है, इसलिए वेब का भी हमें विड्थ कंसीडर करनी पड़ेगी, एक बार फ्लैंज की विड्थ कंसीडर करनी, वेड फ्लैंज का इफेक्ट तो है ही इस एरिया पर, वेब का भी इफेक्ट है, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, 200 कट गया, ये बन गया 812.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3, 6 हो गया ना, वो भी कट गया, बचा गया 812.5 डिवाइड बाई
सिल्वर एटम बची 292.7, दिस इज 2.77 78 कर लो इसको, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये निकल गई वैल्यू। क्योंकि देखो अब रेक्टेंगल का मैंने आपको बताया था कैसे वेरी करता है, पैराबोलिक ऐसे वेरी करता है ना शेयर स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है रेक्टेंगल के लिए, तो ये भी रेक्टेंगल ही है ना एक, तो इसकी वैल्यू ऐसे आएगी, पैराबोलिक रिलेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, टाउ इज इक्वल टू 2.78। अब मिरर इमेज है नीचे भी, तो ये ऐसे बने, पैराबोलिक है, रेक्टेंगल ही है ना ये भी, तो ये आ गया टाउ इज इक्वल टू 2.78, ठीक है। अब हम कंसीडर करेंगे, इसमें आप लिखिए कंसीडरिंग, ये लिखना ज़रूरी है, कंसीडरिंग विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। अब दूसरा एक वो टाउ निकालेगा यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या करना है, कंसीडरिंग विड्थ ऑफ वेब, ठीक है, तो आ जाएगा 200 × 10³, बाकी वही रहेगा, सिर्फ बी चेंज होगा, ये इसमें ध्यान रखना आपने, 6 × अब बी कितना आएगा, वेब का विड्थ कितनी 12.5, तो अब ये चेंज हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 200 × 8.2.5 डिवाइडेड बाई 292.7 × 12.5, 44 आ गई वैल्यू, 44.4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ी है, 2.78 से 44.8, क्योंकि विड्थ बड़ी कम होगी इसलिए शेयर स्ट्रेस बढ़ गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई, यहाँ से सडनली वैल्यू इंक्रीज़ होगी, इट विल इंक्रीज सडन वैल्यू, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मान लो ये कितनी वैल्यू है, 44.4, ओके, ऐसे ही इस तरफ ही बनानी है, इसके ऊपर आएगा ये, दिस इज 44.4, टाउ इज इक्वल टू, और टाउ इज इक्वल टू, ठीक है। अब रहेगी आपकी वैल्यू जो यहाँ पर मैक्सिमम होगी, देखते हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें लिखना है अपने कंसीडरिंग विड्थ ऑफ वेब, ये ख्याल रखना, बी इसमें कितना था 200, इसमें बी कितना है 12.5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, इसको नहीं भूलना, क्यों लिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि इस वाले पोर्शन पे फ्लैंज का भी इफेक्ट पड़ रहा है और वेब का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ बी ही है जिसका इफेक्ट पड़ रहा है, बी एक बार हमने फ्लैंज का लेना है, एक बार वेब का लेना है, तो ऐसे दो वैल्यूज निकलती हैं, मतलब कि इस पॉइंट पे सडनली स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसकी थिकनेस रिड्यूस होगी ना सडनली, तो स्ट्रेस विल इंक्रीज सडनली एट दिस पॉइंट टू 44.4 वैल्यू आई है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है जो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सारा शेड करना पड़ेगा, ठीक है,